अत्विक को ब्लड कैंसर है, उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दी हुए लिंक पर जाएं और अत्विक की उम्मीद बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूँ आपके साथ अनुराधा तवर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी कि एमसीडी के चुनाव दिल्ली में अगले साल होने वाले हैं। अभी एक साल का समय बाकी है, लेकिन इससे पहले आपको हमने बताया था कि एमसीडी में सत्ता पर काबिज बीजेपी ने बड़ा दाव चला है और अपने तीनों एमसीडी के मेयर बदल दिए हैं, डिप्टी मेयर बदल दिए हैं और नेता सदन भी बदल दिए हैं। अब जिस तरह से बीजेपी ने एक बड़ा दाव चला और चेहरे बदल दिए, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली बीजेपी ने जिस तरह से एमसीडी के मेयर बदले और नेता सदन बदले, उनमें से दक्षिणी दिल्ली एमसीडी के मेयर जो कि मुकेश सुरियान हैं और नेता सदन जो इंद्रजीत सहरावत हैं, उनको लेकर बड़े खुलासे किए हैं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन दोनों पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगाते हुए और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कई सनसनीखेज सवाल भी पूछे और इनकी आय से अधिक संपत्ति के बारे में ब्यौरा भी दिया। आज जो हम आपके सामने खुलासा करना जा रहे हैं, उसके अंदर हम ये दिखाएंगे कि किस तरह से भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए पार्षदों को भाजपा महापौर बना रही है, नेता सदन बना रही है। ये बहुत शर्म की बात है कि इतने सारे पार्षदों के अंदर भाजपा को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्षद ही दिख रहे हैं कि उनको इतने बड़े पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं तो चुनावों के लिए पैसा इकट्ठा करने की जिम्मेवारी जो है भाजपा ने अब इन नेताओं की लगाई है। तो आज हम भाजपा के महापौर मेयर इंद्रजीत सहरावत, नेता सदन जो है इंद्रजीत सहरावत के बारे में बताएंगे और महापौर जो है इनके मुकेश सुरियान उनके बारे में खुलासा करेंगे। वार्ड 50S से पहली बार पार्षद चुने गए हैं और इस बार जो है ये इनको नेता सदन बनाया गया है। नेक्स्ट, मैं जो आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा वो सारे के सारे डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं, इसमें कोई आरोप नहीं है हमारा। ये वो कागज हैं जो इन्होंने खुद अपने हाथ से अपने हलफनामे में इलेक्शन कमीशन को दिए। जब ये 2017 में इन्होंने चुनाव लड़ा पार्षद का, तो ये इनके एसेट्स थे। इनकी और इनकी पत्नी की मिलाकर 150 गज जगह थी L128 महिपालपुर में, जिसकी कीमत करीब 45 लाख बताई गई है, इन्होंने बताई है। और इनके पास पॉकेट के वसंत कुंज में एक फ्लैट था जो इनकी और इनकी पत्नी का आधा आधा है, उसकी कीमत करीब 1,15,00,000 बताइए, इन्होंने बताइए इनके एफिडेविट में, वो एफिडेविट में आपको इनको दिखाऊंगा। तो इनकी जो कुल संपत्ति है वो ये है। नेक्स्ट पे आप आइए, और इन्होंने जो अपने मूवेबल एसेट्स बताए, मतलब बैंक के अंदर जो इनका पैसा है या इनके पास जो सोना चांदी जेवर है, और जो इनके पास दो गाड़ियां थी, एक मारुति स्विफ्ट साधारण सी कार है, एक यामा बाइक थी इनके पास, और उसकी कीमत भी कुल मिला के जो है इनके ऊपर करीब 1.5 करोड़ रुपए इनके पास था, 58 लाख इनकी पत्नी के पास था, 42 लाख रुपए के इनके ऊपर लोन थे, लाइबिलिटी थी। तो वो घटाकर इनके पास कुल जो मूवेबल एसेट्स थे वो थे 1,24,00,000 रुपए, इनके एफिडेविट में दर्ज है। नेक्स्ट, हर पार्षद को हर साल अपना ब्यौरा देना पड़ता है एमसीडी के अंदर कि अब उसके पास कितने मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स हैं। बिल्कुल करंट के अभी तक इनके नहीं आए हैं, 2019-20 के मैं आपको बता रहा हूं, करीब 1.5 साल पुराने एसेट्स जो इनके पास हैं वो इनके 1,24,00,000 से बढ़कर 2,58,00,000 रुपए हो गए हैं। ये पार्षद हैं, इनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती, इनका कोई कारोबार नहीं बताया गया, इनके एसेट्स डबल हो गए हैं मात्र 2 साल के अंदर, 2017 से 2019 में इनके एसेट्स डबल हो गए हैं। मुकेश सुरियान ने अनऑथराइज्ड इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक्शन हो रहा था और इन्होंने वहां पे पहुंचकर अफसरों के साथ हाथापाई की, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी, अफसरों को भगाया।
उसके बाद दोबारा अफसर गए, उनको इन्होंने फिर भगाया। तीसरी बार जोन के डिप्टी कमिश्नर विश्वेंद्र वहां पे गए और उन्होंने वहां पे उनसे भी बदतमीजी की और इन्होंने विश्वेंद्र जो वहां के डीसी थे उनका ट्रांसफर कराया। एमसीडी की इंजीनियर्स एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारी बात बताई गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनको मुकेश सुरयान को बुलाया गया, इन्होंने वहां पर लिखित माफी मांगी, माफी के अंदर इन्होंने कुछ कंडीशन डाली तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको फिर वहां पे डांटा और इनको ये कहा गया कि अगली बार आप अपना बैग लेके आना, आपको यहीं से सीधा तिहाड़ भेजेंगे। और फिर इन्होंने माफी मांगी, लिखित माफी मांगी, अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगी और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उस जोन के डीसी का तबादला जो कि इन्होंने कराया था उसको वापस नजफगढ़ जोन में ट्रांसफर किया गया। तो बीजेपी के मेयर और नेता सदन को लेकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और उनकी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, इसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और अब दिल्ली में जिस तरह से एक साल का समय अभी बाकी है एमसीडी चुनावों को लेकर, उससे पहले ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। अब देखना होगा जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने सवाल पूछे हैं, ब्यौरा दिया है बीजेपी के जो मेयर हैं एमसीडी में उनको लेकर, अब इस पर बीजेपी की ओर से क्या जवाब आता है। साथ ही साथ देखना होगा कि आने वाले वक्त में एमसीडी चुनावों को लेकर किस तरह से सियासी सरगर्मी बढ़ती है।